इस वक्त हम पहुंच चुके हैं सागन जंक्शन के पास, और अभी जो है सागन जंक्शन के यहाँ पर प्लेटफार्म संख्या एक के जस्ट समीप में यहाँ पर बिजली के खंभों को लगाने का कार्य किया जा रहा है। उसके लिए मसाला भरकर पिलर को तैयार किया जा रहा है। अभी आप देख पा रहे होंगे वहाँ पर बिजली के खंभों को लगाया जाएगा, और जस्ट यहाँ पर एक लग चुका है और जो है एक और लगाया गया है जो कि इधर लगाया गया है। तो अभी हम चलते हैं प्लेटफार्म संख्या एक पर। प्लेटफार्म संख्या एक के बैक साइड में नई बिल्डिंग का कार्य चल रहा था। नई बिल्डिंग का कार्य हम चलकर आपको दिखाते हैं कहां तक कंप्लीट हो चुका है। और सागन जंक्शन के एक और नई बिल्डिंग का कार्य चल रहा है जो कि दूसरा बिल्डिंग बनाने का कार्य अभी चल रहा है, और उस पर कार्य काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है। कुछ दीवारों का निर्माण कार्य भी कर दिया गया है, चलकर हम आपको दिखाएंगे। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, और चैनल पर आप लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। अभी हम पहुँच चुके हैं सागन जंक्शन के प्लेटफार्म संख्या एक के बैक साइड में, और अभी जो है प्लेटफार्म संख्या एक के बैक साइड में नई बिल्डिंग का कार्य चल रहा था, और इधर के साइड में कई सारी मिट्टियां गिराई गई हैं जो कि इनको अभी समतल करने का कार्य भी चल रहा है। इधर कुछ मिट्टियों को समतल किया जा रहा है, और चलकर हम आपको दिखाते हैं नई बिल्डिंग का कार्य कहां तक कंप्लीट हो चुका है। आज हम आपको प्लेटफार्म संख्या 1, 2, 3 और नए जो प्लेटफार्म बन रहे हैं सारे को कवर कराएंगे। वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। अभी हम नई बिल्डिंग के पास पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर रूम में ढलाई का कार्य कंप्लीट हो चुका है। लगभग 3 जो है रूम पर ढलाई का कार्य कंप्लीट हो चुका है, और आगे जो है बांस बल्लियाँ लगाई गई हैं उनको भी बहुत ही जल्द ढलाई का कार्य पूरा कंप्लीट कर लिया जाएगा। बाकी आप देख पा रहे होंगे काफ़ी तेज़ी से कार्य चल रहे हैं नई बिल्डिंग पर। बांस बल्लियाँ दिन प्रतिदिन लगाई जा रही हैं, और आगे जो है कई सारे नए पिलर यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं। इसके साथ ही कई सारे दीवारों का भी निर्माण कार्य दिन प्रतिदिन किया जा रहा है। तो यहाँ पर भी काफी तेजी से पिलर उठाने का कार्य भी चल रहा है। ऊपर आप देख पा रहे होंगे ऊपर भी कई सारे पिलर तैयार किए जा रहे हैं। जो ऊपर ढलाई किया गया है उन पर अभी पाइप के द्वारा जो है अभी पानी दिया जा रहा है ताकि आसानी से ढलाई पक्की हो सके। बाकी आप देख पा रहे होंगे नए बिल्डिंग का प्यारा व्यू। इधर के साइड में भी बहुत ही जल्द ढलाई का कार्य किया जाएगा, अभी तैयारियां चल रही हैं, और इधर भी कई सारे पिलर उठाने का कार्य भी किया जा रहा है, और इधर जो है अभी ढलाई का कार्य किया गया है। सामने नए फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य पूरी तरीके से सीढ़ियों का ढांचा तैयार कर दिया गया है। नए फुट ओवर ब्रिज पर भी कार्य काफी तेजी से किया जा रहा है। आगे हम चलकर आपको दिखाते हैं नए फुट ओवर ब्रिज का पूरा व्यू। तो नया फुट ओवर ब्रिज का संरचना पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया गया है। इन पर सीढ़ियों का निर्माण कार्य और जो टिन सेटों के ऊपर जो स्ट्रक्चर बनाए गए हैं उन पर करकटों की छवाई का कार्य अभी अधूरा पड़ा हुआ है, तो बहुत ही जल्द उनको भी पूरा किया जाएगा। अभी कार्य जो है नए फुट ओवर ब्रिज पर चल ही रहे हैं। नए प्लेटफार्म पर काफी तेजी से यहां पर मिट्टियां गिराकर इनको समतल किया गया है। बाकी हम आपको नए फुट ओवर ब्रिज का व्यू दिखाते हैं। और वहां पर एक क्रेन पड़ा हुआ है जो उसकी सहायता से सारे कार्य लिए जा रहे हैं। आगे हम बढ़ते हैं और कितने कार्य हो चुके हैं चलकर आपको दिखाते हैं, और आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। दूसरी बिल्डिंग का भी हम अपडेट आपको दिखाएंगे किस तरीके से उसका निर्माण कार्य किया गया है, और जो रेलवे कर्मचारियों भवन बनाया गया था वो पूरी तरीके से बनकर कंप्लीट हो चुका है। ढलाई का कार्य भी पूरी तरीके से यहां पर कंप्लीट कर दिया गया है। ये रहा बिजली के खंभों का निर्माण कार्य किया गया है यहां पर एक।
नई ट्रैक दोहरीकरण का कार्य करने के लिए यहाँ पर कई सारी बड़ी बड़ी गिट्टियों को हरेक लोकेशनों पर रख दिया गया है। पूरा माथे तक गिट्टियों को पहुँचा दिया गया है, तो बहुत ही जल्द यहाँ पर नए रेलवे ट्रैक दोहरीकरण का कार्य किया जाएगा। तो ट्रैक बिछाने का कार्य अभी थोड़ा स्लो है, लेकिन कार अभी चल ही रहा है। आगे हम बढ़ते हैं, आगे चलकर आपको दिखाते हैं और कितने कार्य कंप्लीट हो चुके हैं और अभी क्या क्या कार्य हो रहे हैं। तो नए प्लेटफार्म पर अभी ढलाई का कार्य स्टार्ट कर दिया गया है। यहाँ पर मोटे मोटे ढलाई का कार्य किया जा रहा है। अभी यहाँ पर छड़ वड़ लगाया गया, इसके ऊपर से ढलाई का कार्य किया जा रहा है। और यहाँ पर पूरी तरीके से मिट्टियाँ गिराकर पूरा समतल कर दिया गया है और उधर के भी साइड में पूरी तरीके से समतल कर दिया गया है। कुछ शेष कुछ जगह पर अभी मिट्टियाँ पड़ी हुई हैं, बहुत ही जल्द उनको भी समतल कर दिया जाएगा। अभी हम उस स्थान पर चल रहे हैं जहाँ पर दूसरी नई बिल्डिंग का कार्य चल रहा है। तो वो रहा सामने नई बिल्डिंग, जो कि दूसरे के कार्य अभी चल रहा है। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं दूसरी नई बिल्डिंग के पास, चलकर आपको दिखाते हैं किस तरीके से नई बिल्डिंग का कार्य किया जा रहा है और कितना कार्य हो चुका है और कितना शेष कार्य अभी बचा हुआ है, चलकर आपको दिखाते हैं। किनारे किनारे जो है दीवारें उठा दी गई हैं और उधर के एक साइड में भी दीवारें पूरी तरीके से उठा दिया गया है। तो कार्य काफी तेजी से किया जा रहा है नई बिल्डिंग पर। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। नए बिजली के खंभों को भी पूरी तरीके से टांग दिया गया है और यहाँ पर नई बिल्डिंग का कार्य काफी तेजी से किया जा रहा है। ये रहा, चारों तरफ से दीवारें खड़ी कर दी गई हैं। वीडियो के माध्यम से आप अनुमान लगा सकते हैं कि सागन जंक्शन का कार्य काफी तेजी से किया जा रहा है। अभी हम नए प्लेटफार्म के बिल्कुल लास्ट छोर पर हैं और यहाँ पर कई सारी मिट्टियों का भी ढेर पड़ा हुआ है, तो बहुत ही जल्द इनको भी समतल किया जाएगा। तो कार अभी चल ही रहे हैं और अभी हम चलते हैं नए प्लेटफार्म 6 पर। नए प्लेटफार्म 6 का आपको पूरा अपडेट दिखाते हैं, कितने कार्य कम्प्लीट हो चुके हैं। और धूप काफ़ी तेज है, ऐसा लग रहा है जैसे फिर से वही गर्मी वापस लौट चुकी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। हम आपके लिए ही मेहनत करते हैं। आजमगढ़ से चल करके आए हैं सागन जंक्शन का अपडेट लेने के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि कितना मेहनत हम करते हैं आप लोगों के लिए। प्लेटफार्म संख्या 1 पर ताप्ती गंगा एक्सप्रेस आ चुकी है इस टाइम। तो अभी हम पहुंच चुके हैं प्लेटफार्म संख्या 6 पर। प्लेटफार्म संख्या 6 पर नए नए टिन शेडों के ऊपर पूरी तरीके से करकटों की छवाई का कार्य कंप्लीट हो चुका है। और किनारे किनारे पूरी तरीके से जालियों का कार्य कंप्लीट हो चुका है और पेंटिंग का भी कार्य पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर बूथ भी बनाए गए हैं, इन पर पूरी तरीके से टाइल्स लगा दिया गया है, काफी सुंदर लगते हैं।
और आगे हम बढ़ते हैं और कितने कार्य कंप्लीट हो चुके हैं प्लेटफॉर्म संख्या 6 पर। प्लेटफॉर्म संख्या 6 पर जितने भी छोटे छोटे टिन सेट बनाए गए थे उनके ऊपर पूरी तरीके से करकटों की छवाई का कार्य कंप्लीट हो चुका है और अभी प्लेटफॉर्म संख्या 6 पर ढलाई के लिए न्यू छड़ों को बिछाया गया है। चलकर आपको दिखाते हैं वहां पर ढलाई का कार्य अभी पूर्ण हुआ है या नहीं, आगे चलकर हम आपको दिखाते हैं। अगर आप लोग अकबरपुर, जौनपुर, सागंज, आजमगढ़, मऊ, बलिया के रहने वाले हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ के सारे अपडेट हम आपको इस चैनल पर दिखाते हैं। यहाँ तक पूरी तरीके से जालियाँ लगाकर कंप्लीट कर दी गई हैं और यहाँ पर शेष बचा हुआ है ढलाई का कार्य, इनको भी बहुत जल्द पूरा कंप्लीट कर लिया जाएगा। और ये शौचालय जो दिख रहा होगा आपको पूरी तरीके से ये भी कंप्लीट हो चुका है बनकर। तो प्लेटफॉर्म संख्या 6 पर काफ़ी तेज़ी से कार्य किए जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन नए नए तस्वीर आपको देखने को मिल रहे हैं। इन पर भी पूरी तरीके से जालियां कंप्लीट कर दी गई हैं और पेंटिंग का भी कार्य कंप्लीट हो चुका है और आगे जो है दीवारें उठाने का कार्य चल रहा है, उन पर ढलाई का कार्य किया जा रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हमने आपको दिखाया था उस टाइम जो है दीवारें खड़ी करने के लिए ढलाई का कार्य किया जा रहा था, अभी हम चलकर आपको दिखाते हैं वो कार्य कंप्लीट हुआ है या नहीं, चलकर आपको दिखाते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। और यहाँ पर भी टिन सीटों के ऊपर करकटों की छवाई का कार्य कंप्लीट हो चुका है तो बहुत ही जल्द इन पर बैठने के लिए स्थान भी बनाया जाएगा। आगे जो है छड़ की सीकों को बिछाने का कार्य किया गया है ताकि उन पर ढलाई का कार्य कंप्लीट किया जा सके और जो नया बूथ बनाया गया था उन पर पूरी तरीके से मार्बल बिछा दिया गया है और ढलाई का कार्य जो है दीवारों पर भी किया जा रहा है, चलकर आपको दिखाते हैं। तो ढलाई का कार्य कंप्लीट हो चुका है, अभी उन पर जालियाँ लगाने का कार्य किया जा रहा है, बहुत ही जल्द उन पर भी जालियाँ लगाने का कार्य कंप्लीट किया जाएगा। और अभी यहाँ पर ढलाई का कार्य स्टार्ट कर दिया गया है, कुछ जगहों पर ढलाई का कार्य किया गया है। ये रहा किनारे किनारे अभी जालियाँ लगाने का कार्य जारी है और यहाँ पर कई सारी जालियाँ रखी हुई हैं तो आप देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि कार्य काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है। और यहाँ पर अभी ताज़ी ताज़ी बिल्कुल यहाँ पर ढलाई का कार्य हुआ है और अभी सागंज जंक्शन पर यहाँ पर विद्युतीकरण का कार्य भी किया जा रहा है, बिजली के खंभों को लगाने का कार्य भी किया जा रहा है नए नए। तो यहाँ पर एक नया बिजली के खंभों का निर्माण कार्य किया गया है, ये रहा सामने प्लेटफॉर्म संख्या 2-3 और यहाँ पर लगाया गया है। और ये रहा छड़ की सीकों को बिछाने का कार्य किया गया है ताकि इन पर आसानी से ढलाई का कार्य किया जा सके। और ये रहा नए फुट ओवर ब्रिज का व्यू, ऊपर पूरी तरीके से संरचना तैयार कर दिया गया है। तो ढलाई का कार्य जो है स्टार्ट कर दिया गया है प्लेटफॉर्म संख्या 6 पर, आगे जो है कुछ ढलाई का कार्य किया गया है। ये रही नई ढलाई का कार्य अभी इन पर किया गया है तो बहुत ही जल्द इनको भी पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया जाएगा, ढलाई का कार्य स्टार्ट कर दिया गया है। और ये रही मशीनें, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा यहाँ पर ढलाई का कार्य किया गया है और उसके किनारे किनारे जो है पाइपें लगाई गई हैं नालियों के बगल में। ये रहा सफ़ेद कलर का यहाँ पर पाइप लगाया गया है, अगर आप लोगों को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि पाइप किस लिए लगाया गया है। और नालियों का भी निर्माण कार्य इन पर शुरू कर दिया गया है।
अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे कितने कार्य हो चुके हैं चलकर आपको दिखाते हैं। इन पर भी पूरी तरीके से पेंटिंग का कार्य कंप्लीट हो चुका है जालियों पर। आगे भी कार्य कुछ हो रहे हैं चलकर आपको दिखाते हैं क्या कार्य चल रहे हैं। तो अभी यहाँ पर नए नए बिजली के खंभों को लगाने का कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर एक नया बिजली के खंभों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। प्लेटफॉर्म संख्या 2 तक लगाया जा रहा है बिजली के खंभों को, और बाकी आप मटेरियल देख सकते हैं यहाँ पर कुछ पड़े हुए हैं मटेरियल। और आगे जो है जहाँ पर पटियों किनारे किनारे लगाया गया था उनको अभी तोड़ दिया गया है। चलकर आपको दिखाते हैं वहाँ पर कुछ कार्य हुआ है या नहीं। ये जो आपको नया शौचालय दिख रहा होगा ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है और जालियों का कार्य पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया गया है। इन पर पेंटिंग का कार्य भी पूरी तरीके से यहाँ पर पूर्ण हो चुका है और यहाँ पर जो भी पटिया किनारे किनारे लगाया था उनको तोड़ा गया है। जब कुछ बनेगा तो हम आपको दिखाएंगे। तो हम अपने वीडियो की समाप्ति यहीं से करने वाले हैं। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हम आपके लिए ऐसे ही अपडेट लाते रहेंगे। तब तक मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ।